आप कभी सोच सकते हो पाकिस्तान में या कई ऐसे मुल्क में होगा कि यहाँ पे इंडिया में जो कि 82-83% हिंदू है चीमा साहब, यहाँ पे सर यहाँ पे एम एफ हुसैन नाम का पेंटर जो बड़ा टैलेंटेड पेंटर है, उनके टैलेंट पे कोई शक नहीं है, ठीक है, वो जब हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाते थे तो उनको पद्म भूषण पद्मश्री पता नहीं क्या क्या दिया, जो भी एक्स वाई जेड दिया अवार्ड, गवर्नमेंट का अवार्ड उनको मिला। तो इसके लिए इनको कोई लॉ बनाना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए कि ऐसा ना हो। और जैसे मैंने एक बार अपनी वीडियो में भी कहा था कि अगर 56 इस्लामिक कंट्रीज हो सकती हैं, तो एक हिंदू कंट्री क्यों नहीं हो सकती? और अब बदकिस्मती ये है कि ये कहना कि हिंदू भाइयों अपने धर्म के लिए गंभीर हो जाओ, बड़ी हंसी आती है कि मैं आपसे ये बात बोलूं, लेकिन आपको लगेगा हम गंभीर हैं और ये मुसलमान हमसे ऐसी बात कर रहा है, लेकिन अफसोस ये है। तो जय हिंद, जय भारत। आइए सुनते हैं पाकिस्तान की बात, पाकिस्तानी नेशनल मीडिया की जबानी। कैसे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें और बेल को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर लें, जिससे अगली वीडियो आप और देश तक पहले पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे और देश को हिम्मत मिलती रहे। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद। तो साहब, ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और उदयपुर से अमरावती पहुंच गया। दो बातें इसमें बोलूंगा कि निपुर शर्मा ने आवेश में आकर प्रवोक होकर अपने मुंह से एक बात थोड़ी गलत तरीके से, एक शब्द का गलत प्रयोग करते हुए गलत शैली में मान लें, सिर्फ शैली में बोल दी, तो इस बात पर पूरा मुसलमान, यूं तो कहूं दुनिया का, पर अभी भारत की बात करूं, एक मंच पे था। कि निपुर के पीछे जब लोग पड़े, उसको भबोड़ने लगे, उस पर इतना तमाशा करने लगे, एफआईआर हो गई, वो हटा दी गई, तो एकदम से हिंदू कम्युनिटी जागी कि अरे भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन एक डिबेट में एक जाहिल ने बोला कि हिंदू गला क्या काटेगा, जब हिंदू जाके अपने देवी देवताओं के लिए एक एफआईआर नहीं करा सकता तो मुझसे नहीं रहा गया, और मैंने उसका क्या जवाब दिया। अब आप ये सुनिए सुशांत भाई, अभी कोई साफ बोल लेते हिंदू गला क्या काटेगा यार, ऐसा बोल बोल के हिंदुओं को ना उकसाया करो। गोधरा के बाद हिंदू जाग गया था तो आज तक मातम कर रहे हो, 6 दिसंबर को हिंदू जाग गया था तो आज तक मातम कर रहे हो, ऐसे ना उकसाओ, देश में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पहली बात, पहले ना बोलने का सलीका और तमीज, इस देश में छुपने की जगह नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात, सुशांत भाई, सुशांत भाई, एक मिनट सुशांत भाई, जवाब साहब सुनाई नहीं दे रहा, कौन क्या बोल रहा है, एक मिनट रुक जाइए, तुम्हारी हकीकत जवाब भाई रुक जाइए, बोलिए रिजवान में समय नहीं। और अब बदकिस्मती ये है कि ये कहना कि हिंदू भाइयों अपने धर्म के लिए गंभीर हो जाओ, बड़ी हंसी आती है कि मैं आपसे ये बात बोलूं, लेकिन आपको लगेगा हम गंभीर हैं और ये मुसलमान हमसे ऐसी बात कर रहा है, लेकिन अफसोस ये है। और अगर तुम सिर्फ गंभीर होगे और फैनेटिक नहीं होगे तो तुम बेकार माने जाओगे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। इस घटना को लेकर अब नीदरलैंड के सांसद का एक बड़ा बयान सामने आया है। कन्हैया लाल की हत्या के बाद डच सांसद गिर्ट विल्डर्स ने ट्वीट किया और कहा कि भारत को ऐसे नेता की जरूरत है जो शत प्रतिशत हिंदुओं की रक्षा कर सके। गिर्ट विल्डर्स ने आगे कहा कि भारत, मैं आपको एक दोस्त मानकर कह रहा हूँ, असहिष्णुता के प्रति सहिष्णु होना बंद कर दीजिए। इन्होंने क्या करा, ये जो उदयपुर वाला मामला हुआ है ना कन्हैया लाल जी का, चीमा साहब, इससे बहुत बातें, दिस इज अ वॉटरशेड मूवमेंट, आई एम टेलिंग यू, इन इंडियाज हिस्ट्री एटलीस्ट फॉर द पास्ट 10-15 ईयर्स, ये बड़ा वॉटरशेड मूवमेंट है। इसके बाद चीजें मजीद, अगर तो कोई हिंदू जो है वो कोई ऐसी बात कर रहे तब तो ये फौरन मुसलमान खड़े हो जाते हैं कि जी अरेस्ट कर लो, इसको जेल में डाल दो, सर तन से जुदा कर दो, लेकिन जब खुद करते हैं तो उनके लिए कोई वो नहीं है, सजा नहीं है। और दूसरा ये कि इंडिया जो है ना वो मेरे ख्याल है अब ज्यादा ये संभाल नहीं पा रहे हो सेक्युलर अपने आप को कहकर, क्योंकि वो फिर हो जाता है जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे यहाँ तो जी कुछ भी कहा जा सकता है, नहीं आपके यहाँ कुछ भी कहा नहीं जा सकता और ना ही जाना चाहिए। तो इसके लिए इनको कोई लॉ बनाना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए कि ऐसा ना हो। और जैसे मैंने एक बार अपनी वीडियो में भी कहा था कि अगर 56 इस्लामिक कंट्रीज हो सकती हैं तो एक हिंदू कंट्री क्यों नहीं हो सकती? तो इंडिया को ये सेक्युलर वाला जो कर रखा है ना इन्होंने, उससे हटना होगा
और कहना होगा कि बस ठीक है, ये हिंदू राष्ट्रीय या जो कहलाता है कि ये वो है कंट्री है, हिंदू कंट्री है, और उसके हिसाब से चलना होगा, जिसको रहना है रहो, नहीं रहना बैग उठाओ निकलो। आप कभी सोच सकते हो पाकिस्तान में या कई ऐसे मुल्क में होगा कि यहाँ पे इंडिया में जो कि 82-83% हिंदू है चीमा सर, यहाँ पे एम एफ हुसैन नाम का पेंटर, जो बड़ा टैलेंटेड पेंटर है, उनके टैलेंट पे कोई शक नहीं है, ठीक है, वो जब हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाते थे तो उनको पद्म भूषण, पद्मश्री, पता नहीं क्या क्या दिया, जो भी एक्स वाई जेड दिया अवार्ड, गवर्नमेंट का अवार्ड उनको मिला। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे और देश को हिम्मत मिलती रहे। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद।